दोस्तों इंसान एक ऐसा प्राणी है जो जिस पर चाहे उस पर खतरा बन सकता है और किसी का भी खतरा दूर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इंसानों पर भी खतरा बनी हुई हैं, जैसे वायरस। आप बहुत सारे इतिहासों में वायरसेस आए और गए, लेकिन इस समय जो सबके ऊपर खतरा बना हुआ है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है वो जानवरों से शुरू हुआ था और अब इंसानों तक पहुँच चुका है। ये दुनिया के कई सारे देशों में इस वायरस के शिकार पाए गए हैं, यानी कि इस वायरस जो इंसानों पे हो गया है वो बहुत सारे दुनिया में पाए गए हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चाइना का वुहान शहर है वो उसको पूरा का पूरा बैन कर दिया गया, मतलब कि उसको चारों तरफ से सील कर दिया गया है। ना कोई आदमी उसके अंदर जा सकता है कि ना कि वहाँ का कोई आदमी बाहर आ सकता है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को उस वायरस के शिकार हो चुके हैं और लगभग 109 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाइना का जो वुहान शहर है वहाँ पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी कर दी गई है ताकि वहाँ से कोई बाहर ना सके। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर चेकिंग हो रही है सभी की कि किसी के पास वो वायरस तो है नहीं, मतलब किसी के अंदर वो वायरस तो नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस तो चाइना में है, इससे हमको क्या प्रॉब्लम। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वायरस के 3 लोग जो शिकार हो चुके हैं वो इंडिया के दिल्ली शहर में भी पाए गए हैं और 2 लोग मुंबई में, यानी कि ये वायरस बहुत तेज़ी से भारत में भी फैल रहा है, तो हो सकता है इसका खतरा आप पर भी हो सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वायरस कैसे होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो ये वीडियो भले ही 2-3 मिनट की हो, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी भी बचा सकती है। तो इस वीडियो के तो बने रहें वीडियो में अंत तक। ये वायरस होता है इंसान के हाथ मिलाने से, यानी अगर एक आदमी के वायरस है और अगर वो दूसरे से हाथ मिलाता है तो उसको भी वो वायरस हो जाएगा। और अगर ये किसी इंसान को छींक आती है और उसके सामने वो इंसान है जिसके वायरस है, अगर वो छींकता है उसके सामने दूसरा इंसान आ जाता है तो उसको भी वो वायरस हो जाएगा। ऐसी बहुत सी वजह हैं जिनसे उनको वायरस हो जाता है। और से बहुत से जानवरों का जो मीट होता है उसमें वो वायरस है, क्योंकि ये जो वायरस है इसकी शुरुआत जानवरों से ही हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस वायरस से आखिर बचा कैसे जाए, इस वायरस से आप कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, जैसा कि आपको मांस और मछली खाने से रुकना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो वायरस है इसकी शुरुआत जानवरों से हुई है और उन जानवरों के जो मांस है उसमें वो वायरस हो सकता है। अगर आप खाएंगे तो हो सकता है कि वायरस आपको भी हो जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, यानी किसी से भी जब हाथ मिलाएं तो उसके बाद उसको अपने मुँह में ना टच करें। यानी कि आप लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद उस हाथ को अपने मुँह में भी टच कर लेते हैं, लेकिन उस हाथ को आप पहले धुल लीजिए फिर टच करें। और खाना वाना खाने से पहले अपने हाथ को ज़रूर धुल लें। और जहाँ पर जो लोग ज़्यादा छींकते हैं उनके पास बिल्कुल भी ना बैठें, यानी कि जिन लोगों को जुखाम है अगर वो लोग छींक रहे हैं तो उनसे आप दूर चले जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो लोग छींक रहे हैं तो हो सकता है कि उनके भी वायरस हो और वो आपके भी हो सकता है। दोस्तों, बाहर का पानी ना पिएं। आप पानी वही पिएं जो आपके घर से हो या फिर प्योरेट से हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाहर पानी होता है थोड़ी ना थोड़े टाइम तक रखा रहता है। अगर वो पानी रखा रहता है तो उसमें उस वायरस के जो मॉलिकल्स हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी के पास जैसे वायरस है किसी के अंदर और उसने छींका, तो अगर उसकी जो छींक है उसके अगर एक भी मॉलिकल्स पानी में चले गए तो उस पानी में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप बाहर का पानी ना पिएं और वही खाना खाएं जो ताज़ा बना हो, यानी कि वो खाना ना खाएं जो बहुत देर से बन के रखा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो बहुत देर से बन के रखा है तो उसके ऊपर भी वो मॉलिकल्स पड़ सकते हैं। जिसको होना है उसको तो हो सकता है वायरस, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो आ सकता है कि आपको वायरस ना हो। वैसे बहुत जल्द साइंटिस्ट इसके एंटीडोट बनाने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताएं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।